बिहार बोर्ड से सत्र 2021-23 में 11वीं 12वीं में पढ़ रही वे छात्र छात्राएं जो वर्ष 2022 में 11वीं की वार्षिक परीक्षा में शामिल होंगी, उनके लिए परीक्षा का प्रोग्राम आ चुका है। उनकी परीक्षा दिनांक 17 मई 2022 से स्टार्ट होगी थ्योरी परीक्षा, जबकि प्रैक्टिकल परीक्षा 11 से 14 के बीच अपने अपने स्कूल या कॉलेज के प्रोग्राम के हिसाब से आयोजित होगा। अब हम सभी छात्र छात्राओं को जो 11वीं की फाइनल परीक्षा में इस बार शामिल होंगे, उनको डिटेल प्रोग्राम के बारे में बता देते हैं। साथ ही वे अपने अपने कॉलेज से इंटरनल एग्जाम का प्रोग्राम पता कर लें। कमला गर्ल्स स्कूल डुमरा के सभी स्टूडेंट्स को, चाहे वो आर्ट्स फैकल्टी में हो, साइंस फैकल्टी में हो या कॉमर्स फैकल्टी में हो, उनकी प्रैक्टिकल परीक्षा किस तिथि को होगी वो हम इसमें शेयर कर दे रहे हैं। सबसे पहले आप थ्योरी परीक्षा का प्रोग्राम आप नोट कर लें या याद कर लें। दिनांक 17 मई 2022 दिन मंगलवार को साइंस वालों की फर्स्ट सिटिंग में साइंस वालों के बायोलॉजी की परीक्षा होगी और सेकंड सिटिंग में फिजिक्स की परीक्षा होगी। पहले साइंस का सारा प्रोग्राम आपको बता दें, साइंस वाले स्टूडेंट्स नोट कर लें। 17 मई 2022 को फर्स्ट सिटिंग में बायोलॉजी और सेकंड सिटिंग में फिजिक्स। जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, जो बायो नहीं लिए हैं, उनकी फर्स्ट सिटिंग में आने की आवश्यकता नहीं। 18 मई 2022 को साइंस वालों का है फर्स्ट सिटिंग में केमिस्ट्री और सेकंड सिटिंग में उनकी परीक्षा नहीं। 19 मई 2022 वेडनेसडे बुधवार को साइंस वालों का मैथ्स है फर्स्ट सिटिंग में, और जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी की वे स्टूडेंट्स जो मैथ नहीं ली हैं उनको फर्स्ट सिटिंग में आने की आवश्यकता नहीं। जो स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में मल्टीमीडिया एंड वेब टेक्नोलॉजी लिए हैं वह 19 मई को सेकेंड सिटिंग की परीक्षा में शामिल होंगे। 20 मई 2022 फ्राइडे को साइंस वालों के लैंग्वेज वन की परीक्षा है, इसमें आप हिंदी या इंग्लिश जो रखे हैं उसकी परीक्षा होगी फर्स्ट सिटिंग में। और यदि आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस रखे हैं तो उसकी परीक्षा 20 को सेकंड सिटिंग में, 21 को लास्ट एग्जाम है इसमें फर्स्ट सिटिंग में लैंग्वेज 2 की परीक्षा होगी। इस प्रकार साइंस का प्रोग्राम हो गया। इसे देख लें, 17 मई को फर्स्ट सिटिंग में बायोलॉजी, सेकंड सिटिंग में फिजिक्स, 18 मई को फर्स्ट सिटिंग में केमिस्ट्री, सेकंड सिटिंग में नहीं है, 19 मई को फर्स्ट सिटिंग में मैथ्स, सेकेंड सिटिंग में मल्टी मीडिया एंड वेब टेक्नोलॉजी, ये उन्हीं स्टूडेंट्स का होगा जो एक्स्ट्रा में रखे हैं। 20 मई को फर्स्ट सिटिंग में लैंग्वेज वन, आइदर हिंदी हो या इंग्लिश हो या उर्दू हो, जो भी रखे, सेकेंड सिटिंग में कंप्यूटर साइंस, और 21 मई को सेकेंड सिटिंग में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, जो भी लैंग्वेज 2 में आप रखे हैं वो होगी, सेकेंड सिटिंग में नहीं होगी और 21 को लास्ट होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम का प्रोग्राम कमला गर्ल्स के स्टूडेंट्स का इसके बाद बताते हैं। पहले हम लोग कॉमर्स का देखें। कॉमर्स की परीक्षा 17 मई को फर्स्ट सिटिंग में इंटरप्रेन्योरशिप होगा, सेकंड सिटिंग में नहीं होगा। अधिकांश स्टूडेंट्स इंटरप्रेन्योरशिप रखते हैं, अकाउंट्स, इंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस स्टडीज। कुछ स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स भी रखते हैं, कोई एक नहीं होगा, लेकिन जिनका इंटरप्रेन्योरशिप है वो 17 मई को फर्स्ट सिटिंग में सम्मिलित होंगे। 18 मई को फर्स्ट सिटिंग में उनका यदि इकोनॉमिक्स रखे हैं तो
उनका होगा, नहीं रखें तो नहीं होगा। 18 मई को सेकंड सिटिंग में बिजनेस स्टडीज की परीक्षा होगी, ठीक है। 19 मई को फर्स्ट सिटिंग में अकाउंटेंसी होगा, और सेकंड सिटिंग में यदि कोई स्टूडेंट्स मल्टीमीडिया एंड वेब टेक्नोलॉजी रखें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में तो उनका होगा। 20 मई को Language 1 की परीक्षा होगी फर्स्ट सिटिंग में, सेकंड सिटिंग में उनका नहीं होगा। और 21 मई को फर्स्ट सिटिंग में उनका Language 2 होगा, और 21 मई को सेकंड सिटिंग में उनकी परीक्षा नहीं होगी। यही आपकी परीक्षा है 11 मई। कॉमर्स टेक का फिर रिवाइज हो जाए। 17 मई को फर्स्ट सिटिंग में इंटरप्रेन्योरशिप, सेकंड सिटिंग में नहीं है। 18 मई को फर्स्ट सिटिंग में इकोनॉमिक्स, सेकंड सिटिंग में बिजनेस स्टडीज। 19 मई को एक फर्स्ट सिटिंग में अकाउंटेंसी, सेकंड सिटिंग में मल्टीमीडिया एंड वेब टेक्नोलॉजी यदि कि नहीं करा है। 20 मई को फर्स्ट सिटिंग में Language 1, सेकंड सिटिंग में नहीं है। 21 मई को फर्स्ट सिटिंग में Language 2, सेकंड सिटिंग में नहीं। इनके भी पेट्रल का प्रोग्राम आर्ट्स के बाद बताते हैं। 17 मई को आर्ट्स वालों के लिए फर्स्ट सिटिंग में होम साइंस, जिन जिन कौन स्टूडेंट्स कौन कौन से सब्जेक्ट लिए हैं ये उनको पता है, प्रोग्राम नोट कर लें और उसके बाद आप अपने हिसाब से मिला लें कि आपका किस किस डेट को होगा। 17 मई को फर्स्ट सिटिंग में होम साइंस, सेकंड सिटिंग में हिस्ट्री की परीक्षा होगी। 18 मई को फर्स्ट सिटिंग में इकोनॉमिक्स यदि कोई स्टूडेंट लिए हैं तो उनकी परीक्षा होगी, और 18 मई को सेकंड सिटिंग में पोल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान की परीक्षा होगी। 19 मई को फर्स्ट सिटिंग में म्यूजिक की परीक्षा होगी। 19 मई को सेकंड सिटिंग में सोशियोलॉजी की परीक्षा, ठीक है। 20 मई फर्स्ट सिटिंग में Language 1 होगा, सेकंड सिटिंग में साइकोलॉजी और फिलॉसफी दोनों होगा। जिन स्टूडेंट्स का दोनों सब्जेक्ट साइकोलॉजी भी और फिलॉसफी है उनके लिए पहले साइकोलॉजी हो जाएगा, उसके बाद के समय में फिलॉसफी होगा। 21 मई को फर्स्ट सिटिंग में Language 2 है, और सेकंड सिटिंग में ज्योग्राफी है। कोई अगर योगा एंड फिजिकल एजुकेशन रखे हैं उसकी परीक्षा ज्योग्राफी के बाद होगी, यदि ज्योग्राफी वो रखे हैं, ठीक है। आर्ट्स वालों का एक बार फिर रिवाइज हो जाए। 17 मई को प्रथम पाली में गृह विज्ञान की परीक्षा होगी, द्वितीय पाली में इतिहास की परीक्षा होगी। 18 मई को प्रथम पाली में अर्थशास्त्र की परीक्षा होगी। 18 मई को द्वितीय पाली में राजनीति विज्ञान की परीक्षा होगी। 19 मई को प्रथम पाली में संगीत की परीक्षा होगी। 19 मई को द्वितीय पाली में समाजशास्त्र की परीक्षा होगी। 20 मई को प्रथम पाली में भाषा एक की परीक्षा होगी। 20 मई को भाषा एक में यहाँ कमला कृष्ण में तो सभी बच्चे हिंदी रखे हैं, और 20 मई को द्वितीय पाली में मनोविज्ञान की परीक्षा भी होगी। कोई स्टूडेंट्स अगर दर्शन शास्त्र रखे हैं उसकी भी परीक्षा होगी 20 मई को द्वितीय पाली। 21 मई को लास्ट है प्रथम पाली में Language 2, इंग्लिश हो, उर्दू हो, मैथिली हो, संस्कृत हो, उसकी परीक्षा होगी। और 21 मई को द्वितीय पाली में ज्योग्राफी की परीक्षा होगी। जो योगा एवं शारीरिक शिक्षा रखे हैं उनका भी द्वितीय पाली में होगा। इस प्रकार आर्ट, साइंस और कॉमर्स के ये प्रोग्राम सभी जगह के स्टूडेंट्स के लिए जो वर्ष 2022 में 11वीं की वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होंगे उनके लिए कॉमन प्रोग्राम हो गया। अब जो जो प्रैक्टिकल प्रोग्राम है जो 11 से 14 के बीच अपने अपने कॉलेज या स्कूल्स में होना है, कमला गर्ल्स का शेड्यूल हम आपको बता दें। कमला गर्ल्स में 11 मई 2022 को साइंस वालों का फिजिक्स होगा, 12 को केमिस्ट्री होगा और 14 मई को बायोलॉजी होगा। साइंस वाले को क्लियर हो गया, 11 मई को फिजिक्स, 12 को केमिस्ट्री और 14 को बायोलॉजी। कॉमर्स वालों का 13 मई को इंटरप्रेन्योरशिप का प्रैक्टिकल होगा। एक ही सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है इंटरप्रेन्योरशिप, उसकी परीक्षा 13 मई पर। आर्ट्स वालों का 11 मई को म्यूजिक की परीक्षा होगी, प्रैक्टिकल एग्जाम म्यूजिक का, संगीत का। 12 मई को होम साइंस, गृह विज्ञान का प्रैक्टिकल होगा। 13 मई को साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का प्रैक्टिकल होगा। और 14 मई को भूगोल, ज्योग्राफी या अन्य कोई विषय उनका है जिसमें प्रैक्टिकल होते हैं उनकी परीक्षा होगी 14 मई को।
आप कौन सा सब्जेक्ट चूज किए हैं, आपको जो गमी रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला है उसमें सब्जेक्ट्स होगा, उसके हिसाब से आप देख लें। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया, थ्योरी एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ। आशा है सभी बच्चे अपने आप को बहुत तैयार करके परीक्षा में सम्मिलित होंगे। और साथ ही यदि आप 11th 12th या फिर 9th 10th से संबंधित जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा संचालित है उसके संबंध में कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं कि फॉर्म कब भरा जाएगा या फिर रजिस्ट्रेशन कब मिलेगा, मार्क्स कार्ड कब आएगा, परीक्षाएं कब कब होंगी, क्या प्रोग्राम्स होंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि जो भी लेटेस्ट होगा वो सारा वीडियो हम डालते रहेंगे। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिस मिलता जाएगा। इसके साथ ही इस चैनल पर ढेर सारे एजुकेशनल वीडियोज हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद है। जो भी एजुकेशनल वीडियो लगता है कि नहीं ये मेरे काम का चीज़ है, इसको पढ़ना मेरे लिए अगर यूजफुल होगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसको यदि आप सब्सक्राइब करके चलते हैं तो बहुत जल्द आपको ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके साथ ही जब कोई नोटिस आएगा निश्चित तौर पर हम सही सही समय पर आपको अपडेट देते रहेंगे। आप सबों को जो आगामी परीक्षाएँ हैं इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद।